Hello, I am Dr. Mitu Rajput. I am a cataract and refractive consultant at I Care Eye Hospital. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरीज। रिफ्रैक्टिव सर्जरीज को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इन विच वी आर यूजिंग लेजर, जिसमें कि हम लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड, जिसमें हम लेजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिसमें हम लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सर्जरीज हैं लैसिक, PRK एंड स्माइल। फर्स्ट हम बात करेंगे लैसिक सर्जरी के बारे में। लैसिक सर्जरी में बेसिकली हम फ्लैप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोकेराटोम और बाय द femtolaser। फ्लैप बनाने के बाद हम फ्लैप को लिफ्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लेजर करते हैं करेक्ट करने के लिए रिफ्रैक्टिव एरर को। सेकंड है PRK। PRK प्रोसीजर में हम जो सुपरफिशियल लेयर होती है कॉर्निया की, जिसको कि हम एपिथेलियम कहते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद हम लेजर करते हैं जिससे कि हम रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट कर सकें। थर्ड है स्माइल प्रोसीजर। स्माइल प्रोसीजर का मतलब होता है स्मॉल इंसिजर लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि हम एक लेजर के थ्रू एक लेंटिक्यूल को बनाते हैं, फिर उसको हम रिमूव कर देते हैं एक स्मॉल इंसिजन से, जिससे कि हम रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट कर सकें। हम बात करेंगे जिसमें कि हम लेजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो प्रोसीजर है ICL। ICL है इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस। इस प्रोसीजर में हम ये जो लेंस होता है उसको हम आइरिस के पीछे इंजेक्ट कर देते हैं टू करेक्ट करने के लिए रिफ्रैक्टिव एरर को। लास्ट है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर ही होता है, जैसे हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं उसी तरीके से ये होता है। इस पर हम कैटरेक्ट नहीं होता पेशेंट को, बट इसमें नेचुरल लेंस को हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे हम आर्टिफिशियल लेंस को डाल देते हैं। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरीज। तो जितने भी पेशेंट्स को रिफ्रैक्टिव एरर होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि सब पेशेंट रिफ्रैक्टिव एरर वाले सारे प्रोसीजर करा सकते हैं। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम टोपोग्राफिक टेस्ट कहते हैं। इन टोपोग्राफिक टेस्ट के बेसिस पे ही हम पेशेंट डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट में हम कौन सी सर्जरीज कर सकते हैं।